फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की कचौड़ी और आलू की सब्जी। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम सब्जी बनाते हैं आलू और परवल की। उसके लिए हमें चाहिए उबली हुई आलू, उबली हुई सोयाबीन, परवल, टमाटर की प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्चा, कसूरी मेथी, बेसन, नमक, हरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पत्ती। एक पैन में हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर हम राई, जीरा, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना डाल देंगे। फिर इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कूटा खड़ा धनिया डालेंगे। इसमें हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर लेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ सेकंड तक भूनेंगे। गैस हमारी बिल्कुल लो फ्लेम पर रहेगी, नहीं तो बेसन हमारी जल सकती है। फिर इसके अंदर हम परवल को डाल देंगे। परवल को भी हम कुछ सेकंड तक भूनेंगे। परवल भुन चुका है, इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद उसके बाद इसमें 1 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। आप इसमें चाहे तो प्यूरी डालें या बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, किचन किंग मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। को हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोयाबीन। ये आलू को मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया है। इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक। कसूरी मेथी और धनिया की पत्ती। इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। अच्छी तरह से चला लेंगे।
फ्लेम पर इसे हम 10 मिनट तक पकने देंगे। जब तक सब्जी पक रही है तब तक कचौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। कचौड़ी के लिए चाहिए मैदा, भिगोई हुई मूंग की दाल, बेसन, धनिया पत्ती, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, अदरक, हरी मिर्च, सौंफ पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, गरम मसाला, साबुत धनिया, तेल और 1 कप पानी। भिगोई हुई मूंग की दाल को दरदरा पीस लेंगे बिना पानी डाले। इसी तरह दाल को पीसना है दरदरा। ये 2 कप मैदा है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच तेल। इसे हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। आटा गूंद चुका है, इसे हम ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि सब्जी बनकर तैयार हुई कि नहीं। सब्जी भी हमारी तैयार हो गई है, अब इसे हम बंद कर देते हैं गैस को। तो चलिए अब कचौड़ी की स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, अदरक, सौंफ का पाउडर, खड़ा धनिया, हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला। इसे अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए। फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े चम्मच बेसन। और इसे भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसके अंदर हम जो दाल मैंने पीसी थी वो ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इसे अच्छे से हम भूनेंगे। इसे हम 5-6 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। इसी तरह हम भूनते रहेंगे। इसे गैस हमारा मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अब ये नमक, कसूरी मेथी और धनिया पत्ती। चार से पांच मिनट हो गई है, स्टफिंग तैयार हो चुकी है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। चलिए हम इसकी कचौड़ी की स्टफिंग भरते हैं। छोटी छोटी लोई ले लेंगे।
इस प्रकार से इसकी भी हम गोली बना लेंगे। इसे हम इसके अंदर स्टफ कर देंगे इस प्रकार से, इसके हम बंद कर देंगे और हाथों से ही इसे हम प्रेस करेंगे। इसी तरह हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे, उसे भी इसमें हम स्टफ कर देंगे। इस तरह से हम बाकी सभी बॉल्स को स्टफ कर लेते हैं। कचौड़ी और भी बना लिए, अब इसे हम फ्राई करते हैं। गैस हमारा लो फ्लेम पर रहेगा, अब इसे हम डालते हैं। धीरे अपने आप ऊपर आती जाएगी। इसी तरह हम इसे तलेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना आ जाए, और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। हल्का हल्का गोल्डन इस पर आने होने लगी है, इसे हम बिल्कुल डार्क गोल्डन करना है। ये देखिए कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, देखिए कलर भी कितना खूबसूरत आया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कचौड़ी बनकर तैयार होगी, तो चलिए इसे हम सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।